हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन न्यू वीडियो। अभी जो ये जो वीडियो है वो मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम बुक करने के बाद हम उसको वापस रीशेड्यूल और कैंसिल कैसे कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग है। जैसे प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम हमने बुक कर लिया है एज ए नर्स, डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, जो भी है, उसके बाद अगर हमको एग्ज़ाम नहीं देना है किसी कारणवश, अगर हम एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, तो हम उसको कब रीशेड्यूल कर सकते हैं, कब इसको कैंसिल कर सकते हैं, कब हमारा पेमेंट रिटर्न आएगा या नहीं आएगा, वो सब डिटेल में इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसके लिए अगर हमको रीशेड्यूल करना है तो हमको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ। जैसे पासपोर्ट होना चाहिए, और सेकंड जो है कंफर्मेशन नंबर होना चाहिए, और जो उनका आईडी है, जैसे सवर्ती प्रोमेट्रिक का आईडी हो या डीएचए प्रोमेट्रिक का आईडी हो या डीओएच का या एमओएच का, उनका आईडी होना चाहिए। जैसे डीएचए यूनिक आईडी होता है, प्रोमेट्रिक यूनिक आईडी होता है, वैसे वो होना चाहिए। उसके बाद हम प्रोमेट्रिक पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम। प्रोमेट्रिक पे जाने के बाद हम उसको ये जो कंफर्मेशन नंबर मिलते हैं, जो हमारे मेल पे आते हैं कंफर्मेशन लेटर, वो कंफर्मेशन नंबर डालेंगे उसमें। हम जैसे प्रोमेट्रिक पे जाते ही वहाँ पे सर्च रहेगा एक्शन, शेड्यूल, रीशेड्यूल, कैंसिल, तो हम रीशेड्यूल पे क्लिक करेंगे। रीशेड्यूल पे क्लिक करने के बाद उसमें हमको दिखाएगा कि कंफर्मेशन नंबर जो 16 डिजिट का होता है, तो 16 डिजिट का कंफर्मेशन नंबर प्लस जो हमने उनका अकाउंट क्रिएट किया था उनका लास्ट 4 डिजिट डालना है, जो नाम का 4 डिजिट, तो उसके अंदर वो डालेंगे। फिर हम उनको लॉगिन करेंगे, जैसे सबमिट करेंगे, लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे वो रीशेड्यूल करेंगे तो वहाँ पे डेट पूछेगा, लोकेशन पूछेगा, फिर डेट पूछेगा कि कब डेट चाहिए दोबारा रीशेड्यूल करने के लिए। तो लोकेशन हम उसमें डालेंगे और सर्च करेंगे अपने नियर बाई जो भी एग्ज़ाम प्रोमेट्री एग्ज़ाम सेंटर है वो डाल के उसमें हम अगर सर्च करेंगे, देन हम उनको सेटिस्फाई होने के बाद आगे जाएंगे। जैसे डेट चूज करने के लिए बोलेगा डेट चूज करेंगे, डेट चूज करने के बाद हम टाइम चूज करेंगे, टाइम चूज करने के बाद हम अपना पासपोर्ट का जो डिटेल्स है वो पूरा डिटेल्स उसमें फिल करेंगे अकॉर्डिंग पासपोर्ट, उसका नाम है, ईमेल आईडी है, कंफर्मेशन ईमेल आईडी एंड उनका मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, ये सब उसमें डालेंगे, पासपोर्ट नंबर डालेंगे एंड देन सबमिट करेंगे, तो दोबारा पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं होता है। वो कब नहीं होता है, अगर हम 3 दिन यानी 72 आवर्स से पहले अगर हम रीशेड्यूल कर रहे हैं तो पेमेंट नहीं लगेगा, 72 आवर्स के बिफोर 72 आवर्स वो लॉकअप हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि इनका एग्ज़ाम कंफर्म है। बाद में आप एग्ज़ाम दो या नहीं दो या कैंसिल करो, रीशेड्यूल करो, कुछ नहीं होगा, वो उसमें लॉकअप हो गया तो आपका एक अटेम्प्ट भी दिखाएगा और वो कैंसिल भी नहीं होगा, तो 72 आवर्स कम से कम चाहिए। और अगर आपके पास कंफर्मेशन मेल आ गया दोबारा कि आपका एग्ज़ाम है, ऐसे करके कंफर्मेशन रिमाइंडर मेल आता है, अगर रिमाइंडर मेल आ गया है तो वो न तो रीशेड्यूल होगा, न कैंसिल होगा, न पेमेंट आएगा। ऐसे ही आपको एक दूसरा वीडियो बताऊंगा जिसके अंदर हम कैंसिल करके उसमें अपना पेमेंट कैसे ले सकते हैं वापस। सो ये रीशेड्यूल कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप। अपने पास कंफर्मेशन नंबर और पासपोर्ट होना चाहिए और डीएचए का यूनिक आईडी होना चाहिए, जिससे अपने को ये पता चले कि हमारा लास्ट नेम क्या है, तो उसका 4 डिजिट डालना होता है नाम का 4 अक्षर, तो वो होना चाहिए। इसलिए अपने को प्रोमेट्रिक जो भी हम आईडी बनाते हैं, जो भी अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो वो लास्ट नेम होना ज़रूरी है, तो देन हम उनको रीशेड्यूल कर सकते हैं इजीली। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।